दोस्तों, वेलकम बैक टू द मैं अनदर वीडियो में नेवी यशमदावादी। पर इंट्रो में मत जाना, बैकग्राउंड में मत जाना, मैं बैठा हूँ शॉप पे। और इस वीडियो के अंदर आपने टाइटल एंड थंबनेल एंड प्रोमो देख ही लिया होगा। आपको दिखाने वाला हूँ मुरादाबाद से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और चिकन खाने के शौकीन है तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाला का चिकन भाई, जो MDA में है और क्लाउड किचन नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा इनका चिकन मटन और देसी घी की बिरयानी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और भाई मैंने भी ट्राई करा है, आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए, पूरी मैंने तीनों चीज़ों की मेकिंग दिखाई है होती हुई इसमें, खासकर देसी घी की बिरयानी। सुन रहे हैं ना, देसी घी की बिरयानी मुरादाबाद में कहीं पे भी आपको नहीं मिलती है, प्योर देसी घी की बिरयानी यहाँ बनती है। तो चलिए उसकी पूरी मेकिंग देखते हैं। और मटन भी बनते हुए दिखाया हमने, चिकन बनते हुए दिखाया। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से लाइक एंड शेयर कर लीजिए इस चैनल के लिए। और 40,000 सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, तो कंप्लीट करवाना। और बाकी चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आ चुका हूँ क्लाउड किचन पे और यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ मटन और चिकन की दोनों की मेकिंग। और मेकिंग से पहले मैं आपको मिलना चाहूँगा जतिन भैया से, जो कि यहाँ के शेफ हैं। कैसे हुई है? बहुत बढ़िया, आप बताइए। तो आप ही बनाते हो सब चीज़ यहाँ पे, चिकन मटन बिरयानी? जी मैं ही बनाता हूँ। चलिए आज आपको पूरी मेकिंग दिखाने वाले हैं जतिन भैया। और चलिए भैया स्टार्ट करिए। तो अभी आप क्या बना रहे हैं सबसे पहले? अभी चिकन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, साथ साथ हम मटन भी बनाएंगे। अच्छा, आप लोग ऑयल वगैरह कौन सा यूज करते हैं? पेलकोलू का ही यूज करते हैं, कंपनी का पूरा, है ना? टोटली कंपनी का। और ये राइस कौन सा रखा है आपने? राइस हमारा XXL है। XXL काफी अच्छा होता है, काफी कॉस्टली हो रहा है जी। ये 750 रुपए के 5 kg आते हैं मार्केट में। ये हमने इसमें डाला पानी, चलिए डाल। जैसे कि मैंने बताया क्लाउड की चीज़ें, यहाँ पर हाइजीन का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीननेस यहाँ पे। और अभी ये देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर कढ़ाई रखी हुई है। बाकी पूरी अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है और अभी यहाँ पे मटन बनना स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे पूरे सब मसाले वगैरह रख दिए हैं निकाल के। तो भैया अपना जोमेटो स्विगी पे दोनों जगह अवेलेबल है? अभी सिर्फ हमारा जोमेटो पे, जोमेटो पे किस नाम से है अपना? लाला का चिकन। लाला का चिकन, यही हमारा ब्रांड है, यही हमारी पहचान है। अच्छा, तो भाई आप लोग अगर मंगाना चाहते हो तो भाई जोमेटो पर सर्च करना लाला का चिकन भाई, काफ़ी ये बने एकदम। भाई यहाँ पर रहे मसाले तो भैया क्या क्या हैं ये बता सकते हैं? इसमें लाल मिर्च है, साबुत, जीरा है, लौंग है, काली मिर्च है, काली इलायची है, हरी इलायची है, जायफल। आपका भी कोई सीक्रेट मसाला है? वो बाद में डलेगा, बाद में डलेगा। आजकल भाई सबके सीक्रेट मसाले जरूर होते हैं। ये सीक्रेट मसाले कुछ नहीं होते हैं, सब मसाले मसाले ही होते हैं। अब उसे आप अपना नाम दे दें, कुछ भी कर दें, तो वो सीक्रेट हो जाता है। प्याज की क्वांटिटी आप, और इधर हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है। तो भैया ये कितना प्याज डाल रहे हो और कितना इसमें मटन होगा अपना? आधा किलो प्याज जा रही है इसमें, आधा किलो प्याज। और अपनी मटन की क्वांटिटी? मटन आ जाएगा इसमें 1.5 किलो। 1.5 किलो मटन? हाँ, 1.5 किलो। तो 1.5 किलो मटन अभी हो जाएगा अपने, आप और भी बनाते हो फिर? नहीं, हाँ अगर जरूरत पड़ती है तो बन जाता है, क्योंकि मटन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लोग कहते हैं मटन बनाने में बहुत टाइम लगता है। मटन बिल्कुल फ्रेश मटन है, बिल्कुल बड़ी वाली कढ़ाई में हो रहा है अपना चिकन रेडी। और यहाँ पे भी सेम मसाले हैं जो मटन में गए थे अपने? इसमें ये आपका जायफल अलग है, जावित्री है, दालचीनी, सॉरी ये दालचीनी है, हाँ दालचीनी एक्स्ट्रा है, जीरा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। चलिए ये तो प्याज में 1 किलो से ऊपर, ये 1.5 किलो प्याज है, 1.5 किलो प्याज है हमारा। वही जा रहा है हमारा मटन, जो कि एक कितने के जी है? 1.5 किलो। 1.5 किलो मटन डालने के बाद अब आप देख लीजिए चिकन में हम कौन कौन से मसाले डालने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या डालें? सबसे पहले हल्दी, हल्दी 4 चम्मच आएगी, 4 किलो चिकन है अपना। अच्छा, ये हल्दी की भुनाई हम अलग करते हैं, उससे हल्दी का स्वाद थोड़ा खिल के आता है। क्या डालने हो? नमक, ये क्या है? ये क्या? ये सारे मसाले हैं मटन में मिक्स हैं, इसमें सब मटन मसाला है, नमक है, सौंफ है, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं खोलूँगा, आप समझ सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च, तो ये जा रही चिकन में अपने, चिकन के मसाले में।
दो चम्मच डलेगी, बाकी इसका सारा स्वाद। तो बिरयानी बनेगी अपनी? बिरयानी, बिरयानी भी बनेगी अभी। बिरयानी भी बनेगी जी, बनेगी भाई। इस ब्लॉग के अंदर आप देख सकते हो मैं आपको मटन की मेकिंग और चिकन की मेकिंग के साथ साथ आपको इसमें बिरयानी भी दिखाने वाला हूँ। तो ब्लॉग थोड़ा सा लंबा ज़रूर है पर भाई आपको पूरा प्रॉपर चीज़ देखने के लिए मिलने वाली है और टेस्ट में भाई एकदम बेस्ट है। मैं पर्सनली प्रेफर कर रहा हूँ आप सभी को। अभी क्या पड़ने वाला है भाई मटन? टमाटर डालेंगे कैसे हुए? टमाटर का पेस्ट बस। अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे। मटन तो भाई को बहुत पसंद आया। हाँ मटन बहुत। क्या क्या पड़ रहा है अपना? पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया। पिछले करीब अराउंड 50-20 मिनट हो चुके हैं हमें भूनते भूनते मसाले को। ये टमाटर, ये हम अलग पकाते हैं। अच्छा। कुछ एक अपनी अलग चीजें डाल के बाकी कुछ। तो ये जा रहा है वो अपना चिकन। तो अभी आपने देखा चिकन और मटन और अब जहाँ चालू हो रहा है बनना भाई मटन कीमा। तो सबसे पहले कढ़ाई में चल गया अपना तेल जो कि है बैल कोलू का। इसमें हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे प्याज टमाटर की। उसके बाद हम बड़ी कढ़ाई में कीमे की भुनाई करेंगे चिकन जब तक हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है जरा कस्तूरी मेथी। चलिए भाई अपनी चिकन में पूरी कस्तूरी मेथी। हमारे कीमे के मसाले हैं 50% प्याज में डलते हैं, 50% मैरिनेशन में कीमे के साथ डलते हैं। अच्छा। और इसके साथ साथ ही तुरंत ही हम डाल देंगे इसमें टमाटर। मसाले भुनने से पहले टमाटर डालते हैं ताकि मसालों के साथ टमाटर अच्छे से भुन जाए, उनका स्वाद और निखर के आता है। इसलिए लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मसाले डालते ही इन्होंने टमाटर डाल दिए, तो सिर्फ इसलिए कि मसालों का स्वाद टमाटर के साथ भी आए, टमाटर कच्चे न रहे। ये मटन है हमारा, रेडी हो गया मटन। अभी मटन रेडी नहीं हुआ है। अभी इसमें क्या क्या होना है? अभी इसमें डलेगा काजू का पेस्ट। अच्छा। ये दही जाएगा हमारे इसमें। अभी आधे घंटे फिर पकेगा ये, आधे घंटे पकेगा। आप कल देख सकते हैं इसका कितना अच्छा आ गया है। अब इसका ये सारा पानी ख़त्म होगा, उसके बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। मटन तो आप सबने देख लिया होगा, अब दिखाते हैं चिकन। हमारा चिकन में बिल्कुल रेडी है। तो चलिए भैया इसमें करने वाले हैं छोटे वाले भगवाने में। चलिए भाई अब देखिए यहाँ पे बनता आ रहा है कीमा जो कि अपने जिस कढ़ाई में अभी चिकन रेडी हुआ था वहीं पे कीमे की पूरी भुनाई होगी। और यहाँ डाला जा रहा है अपना तेल जो कि बैल कोलू का है। और फिर से हमारे आंखों में आंसू आने वाले हैं बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ रुका नहीं जा रहा, मतलब जो सरसों का तेल होता है ना और अच्छी क्वालिटी का तेल होता है वो आँखों पर असर करता है सीधे आँखों में आँसू। तो अपना चिकन तो बन के रेडी हो चुका है, मटन भी बन के रेडी हो चुका है पूरा। अभी यहाँ बनना है कीमा और उसके बाद क्या बनेगा भैया? उसके बाद बिरयानी। उसके बाद बिरयानी। अच्छा ये मसाले जा रहे हैं कीमे में अपने, खड़े मसाले देख लेना। ये पहले रहते हैं मैरिनेट, दो घंटे हमने से मैरिनेट करके रखा है।
मटन का कीमा है ना, मटन कीमा। अपना हो चुका कीमा रेडी, निकल रहा कढ़ाई से बाहर। तो ये अपने हो चुके हैं तीन आइटम रेडी, मटन, चिकन और कीमा, मटन कीमा। और अब बनने जा रही है यहाँ पे बिरयानी चिकन की, ठीक है ना। और बिरयानी बनती है भाई पूरी यहाँ पे देसी घी में। आपको पहले तो मैं देसी घी दिखा दे रहा हूँ, अभी घर का बना हुआ देसी घी बना हुआ घर का। अच्छा, तो पूरी बिरयानी जो है देसी घी बनने जा रही है। देसी घी का तो जवाब ही नहीं है भाई, अलग ही तो बिरयानी बन रहा है। हाँ भाई, और इन जैसे भाई के लिए जो बॉडी वगैरह बनाते हैं उनके लिए तो भाई देसी घी की बिरयानी। प्याज हम अभी डालेंगे ये इसकी गार्निशिंग के लिए है, जो जब बिरयानी रेडी हो जाएगी तो बाकी में हम ये हमारा मैरिनेटेड चिकन है। क्या है केसर? केसर बिल्कुल ओरिजिनल। अच्छा, ये हम अपनी बिरयानी में डालते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा उठ के आता है। यार इसमें मैं चावल अपना। तो भैया बड़ी मेहनत के बाद यहाँ पे हमारी चारों चीज़ें बनके रेडी हो चुकी हैं और अभी यहाँ पे लगने जा रहा है। तो भैया ये क्या क्या है? ये केवड़ा वाटर और केसर है। अच्छा। ये फ्रेगनेंस के लिए, इसके धुएं का इसमें तड़का लगेगा। अच्छा, और क्या क्या आपने कहा? अब इसमें गार्निशिंग के लिए हम इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर। अच्छा, ये जाएगा थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर, अच्छा हाँ, बस वही है। अभी हमने स्टार्टिंग में प्याज अपनी करी थी, ये बिरयानी अपनी रेडी पूरी हो गई है। बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी भाई अराउंड करीब 1 बजे और अभी बज चुके हैं शाम के 5:30। तो बहुत टाइम उठा तो करते करते बाकी फाइनली सब्चीज अपनी रेडी हो चुकी है। तो भैया सबसे पहले हमारी सब्चीज रेडी हो चुकी है, आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, तो क्या है सबसे पहले क्या दिखाना चाहिए? आपका मटन कीमा। जी है मटन कीमा, वो बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। हमारा चिकन है ये, कलर देखिए एक बार चिकन का। और फिर आएगा हमारा मटन, उसके बाद बिरयानी और सही टेस्ट भी करके दिखाएंगे भाई। तो भाभी चिकन आपको रिव्यू देंगे फुल, और रिव्यू की ज़रूरत नहीं मैं तो भाई टेस्ट कर देता है। मटन की ग्रेवी जैसे शाही पनीर की ग्रेवी होती है ना, डाल डाल भी वैसी ग्रेवी हो रही है। और ये आपकी देख रही होगी बिरयानी का लगा, ठीक है। तो चलिए लगवाते हैं प्लेट वगैरह पूरी और टेस्ट करते हैं। तो अभी हमारे प्लेट्स लग के आ चुके हैं और अभी मैं आपको फाइनली टेस्ट बताने वाला हूँ यहाँ पर कैसा है। और मैं तो पहले से भी टेस्ट कर रखा है, बाकी अगर आप लोग टेस्ट करना चाहते हो तो जोमेटो पे लाला का चिकन सर्च करके आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है ना। सब चीज़ अवेलेबल होंगी। और यहाँ पर सबसे पहले अनुज भाई टेस्ट कर रहे हैं। तो क्या आप क्या क्या ट्राई कर रहे हैं? पहले मेरे पहले मटन। मटन अच्छा, मजा आएगा आपको मटन? एक नंबर टेस्ट हो गया। कैसा है? बहुत बढ़िया। आप चिकन चेक करो, हर चीज़ चेक करके बताओ, वेट करके भाई। कैसा लगा भाई चिकन? भाई यहाँ पे एक और नई डिश है कीमा, मटन की मजे से कहते हैं, ठीक है ना। ये ट्राई करो एक बार। क्या चीज़ बढ़िया लगी? तीनों ही बेस्ट है। टेस्ट कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया। फ्लेवर फ्लेवर
ऑनेस्ट बताइएगा जब भी आपको अगर कुछ कमी लगी हो, क्योंकि हमारे तो हम प्रिपेयर हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट आप बताएंगे वो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। भाई अब तक अपने लोगों ने मुरादाबाद में बहुत से रेस्टोरेंट में चिकन खाया था, यहाँ अपने क्लाउड किचन आए हैं, तो कैसा लगा? अपनों ने अधिकतर हर रेस्टोरेंट हर चेंज टेस्ट कर रखा है हमने, उनके अकॉर्डिंग कैसा लगा आपको? टेस्ट बहुत बेटर है, टेस्ट बहुत बेटर है, ठीक है। ना ही किसी चीज़ का मसाला कोई तेज है, ना ही कोई मतलब नमक वमक कोई मसाला वसाला तेज नहीं है। अच्छा चलो, हम जैसे आपने देखा हमारी प्रिपरेशन अच्छी रहती है, बल्क ऑर्डर्स कैटरिंग के लिए हमारा अगर कोई टाइमली हमें ऑर्डर करता है तो हम उसके लिए होम डिलीवरी भी करा सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे अपना काउंटर लगा लें, हम स्पेस देंगे, तो हम उस चीज़ के लिए भी रेडी हैं। अच्छा अच्छा, बल्क ऑर्डर्स के लिए कैटरिंग के लिए हम लेने के लिए रेडी हैं। अच्छा, तो अब मैं भाई फाइनली टेस्ट करने वाला हूँ और देखते हैं। मैंने तो पहले भी बहुत बार टेस्ट कर रखा है, इसमें कोई बात ही नहीं है, पर मैंने चिकन कीमा पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले इसे टेस्ट करेंगे। ठीक है सर, मैं पहले भैया आपको बताऊं, मैंने आज तक चिकन कीमा कभी मटन कीमा सॉरी खाया भी नहीं है। अच्छा, थोड़ा यूनिक टेस्ट है, वो तो ही होगा आपने चिकन लेग पीस। थोड़ा पास में लेके आओ, और ये क्या आपने मुंह में चिकन, वाओ फ्लेवर आ रहा है भैया, रेट के हिसाब से बड़ी चीज है। गजब, भाई तीनों ही चीज़ एकदम बेस्ट है। और अभी आपको बिरयानी के भी टेस्ट कराएंगे फटाफट से, पहले हम इसे ख़त्म करते हैं फिर आपको बिरयानी दिखाएंगे, ठीक है? तो भाई ये आ चुकी है अपनी देसी घी की बिरयानी, भाई अलग ही मतलब खुशबू आती है देसी घी में। मुरादाबाद में भाई देसी घी की बिरयानी नहीं मिलती है कहीं पर भी, और जो लोग लिख के बेचते हैं पर वो होती नहीं है, पर यहाँ मैंने आपको लाइव बनते हुए दिखाई देसी घी की बिरयानी। अगर यहाँ से आप लेते हैं तो 101% देसी घी की बिरयानी होगी, ठीक है ना? तो बिरयानी भी टेस्ट करते हैं, बाकी तो टेस्ट भाई हर चीज़ का एक नंबर है, जेन्युइन रिव्यू। आप लोग एक बार अगर आपको लग रहा हो आप एक बार खुद ट्राई करना, फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, बाद में खाने के बाद आप एक बार खाना ऑर्डर करके देखना।